चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था पॉलिटी वाला, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे थे और मेनली इसमें जो एक्ट्स थे, तो इससे पहले जो अभी चार्टर एक्ट आया था 1853 आएगा, इससे पहले हम 33 का एक्ट पढ़ चुके हैं। कुछ चीज उसमें देख लेते हैं जो उसमें हमने देखा हुआ था कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर जो होती है वो छीनी जाती है और ये पूरी की पूरी पावर दे दी जाती है बंगाल प्रेसिडेंसी को, और साथ ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। यानी कि इस तरीके से आप देखें कि पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज किया जाता है और काफी एक्सटेंसिव पावर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको दे दिया जाता है। तो अब देखेंगे कि एक आदमी जो है ये बहुत सारे काम नहीं कर सकता, और ऊपर से जब गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल किया जा सके, यहाँ पर जो भी एक करप्शन या फिर जो भी इस तरीके से इलीगल चीजें हो रही हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, तो फिर आप अगेन शुरू में जैसे प्रेस इंडिया एक्ट में देखा कि फंक्शन को डिवाइड करके अलग अलग बॉडी बनाई गई, तो यहाँ अगेन सारे पावर को सेंट्रलाइज किए जाने की कोशिश की गई थी पिछले वाले एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर क्या किया गया कि अब देखिए जब एक आदमी के पास सारा का सारा काम आ जाएगा तो फिर वो कैसे काम करेगा, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यही चीज आगे बढ़ाई गई 1853 के एक्ट में। तो इसमें क्या किया गया कि जो काम होता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जो लेजिस्लेटिव काम था और दूसरा जो एग्जीक्यूटिव काम था। तो हमने देखा था कि पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था उसी में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल जो था गवर्नर ऑफ बंगाल उसके लिए क्या गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। तो ये जो था एग्जीक्यूटिव वर्क ये तो किया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा जो पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई इसके अंतर्गत जिसका नाम था इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो अब क्या था कि एक अलग बॉडी बनाई गई और इस अलग बॉडी में 6 न्यू मेंबर्स रखे गए जिसमें 4 मेंबर्स जो थे वो इंडियंस थे, और इन 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे मद्रास बंगाल एंड आगरा के द्वारा। ठीक है, 6 न्यू मेंबर इसमें ऐड किए गए इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें से 4 मेंबर जो थे वो इन 4 गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था यानी कि इंडियंस थे। तो अब आप देखेंगे कि पिछले एक्ट के द्वारा यानी कि 33 एक्ट के द्वारा जो ये सिविल सर्विस का एग्जाम जहां जिसको इंडियंस के लिए भी ओपन करने की बात की जा रही थी, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन यहां पर इस एक्ट में ये प्रोविजन रखा जाता है कि सिविल सर्विस अब क्या होगा ओपन कॉम्पिटिशन होगा, इसका मतलब इंडियन भी क्या करेंगे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से याद रखिए कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग बॉडी बन गई तो यहाँ पर भी काम करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत होगी, तो जब सिविल सर्विस का जो एग्जाम होगा ये एक नए तबका या फिर नए एक ग्रुप बनाएगा स्पेशलिस्ट की जो ये काम कर पाएंगे, इसलिए इंडियंस के लिए ये ओपन कर दिया गया। और ये कौन सी कमेटी के द्वारा ओपन किया गया था, अकॉर्डिंग टू मैकॉले कमेटी। हमने ये भी देखा था पिछले वाले एक्ट में 33 में कि एक 5th मेंबर को ऐड किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले जो कि लॉ मेंबर थे, और इन्हीं की कमेटी के अंतर्गत ये रिकमेंडेशन आया कि सिविल सर्विस का एग्जाम जो है ओपन कॉम्पिटिशन होना चाहिए। ओपन कॉम्पिटिशन का मतलब इंडियंस के लिए भी इसे ओपन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ और यहाँ पर नोट करने वाली चीज है, अब ये देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट टू फॉर्म रूल्स फॉर देम, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट हुआ करती थी यानी कि जो जैसे ये थी बॉम्बे मद्रास बंगाल आगरा ये सब लोकल गवर्नमेंट थी, तो जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको पहली बार अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सकती है अपने लिए रूल्स बना सकती है। साथ ही साथ अब यहाँ पर देखें कि लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया पहली बार, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 नए मेंबर्स को ऐड किया गया जो इंडियंस थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियंस थे यानी लोकल थे उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि एक्सटेंडेड कंपनी रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। इस एक्ट में ये भी कहा गया कि हम अधिकार देते हैं कंपनी को कि आप ब्रिटिश पोजिशंस के अंदर जो भी चीजें टेरिटरी आ रही है इंडिया में उस पर आप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम कर सकते हैं, लेकिन कब तक कर सकते हैं इसका टाइम कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया। इसका मतलब गवर्नमेंट ये ऑफ ब्रिटेन जब भी चाहे कंपनी को टर्मिनेट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट 53 के बाद।
अब इसके बाद देखते हैं कि रिवोल्ट होता है हमारे यहाँ 1857 में जो रिवोल्ट होता है, अब उसके बाद उस रिवोल्ट के बाद एक एक्ट आता है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज भी क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम चेंज करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया किया गया, ये लोग नाम बहुत चेंज करते थे। उसके बाद अब देखेंगे दूसरा प्रोविजन कि इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये जो डबल गवर्नमेंट थी किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जिसमें एक सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, तो इस डबल गवर्नमेंट था। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि उस बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन दोनों बॉडी को खत्म कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत क्या था कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो क्राउन के अंडर में आ गया। यानी कि अब यहां से देखेंगे कि 1858 के से आप देखेंगे कि यहां से जो कंपनी का रूल था वो, यानी कि स्टैंड कंपनी का रूल था वो खत्म हो चुका था, और यहां पर डायरेक्टली जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी यानी कि जो क्राउन थी वहां के राजा या रानी जो हुआ करते थे उन्होंने पूरा पूरा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। यानी कि यहां पर अब ये जो एक्ट आया वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था, ये भी कंपनी के अंडर में नहीं आया, यहां पर कंपनी का रूल अब खत्म हो चुका है। यानी कि 1858 से पहले ही कंपनी का रूल था, अब 1858 या उससे बाद कंपनी का रूल नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये दूसरा प्रोविजन जो डबल गवर्नमेंट यानी कि दो बॉडी थी उसको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा ब्रिटेन में एक नई ऑफिस को क्रिएट किया गया, एक नया पद क्रिएट किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे होते हैं ना सेक्रेटरी होते हैं हर डिपार्टमेंट में हर मिनिस्ट्री में, उसी तरीके से वहां पर क्रिएट किया गया एसओएस मींस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो था मेंबर हुआ करता था ब्रिटिश कैबिनेट का। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी उनका जो कैबिनेट हुआ करता था उनका ये मेंबर हुआ करता था और ये रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे हमारे यहाँ होते हैं हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, तो इसी तरीके से ये जो हुआ करता था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था क्योंकि ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। ओके, और ये बॉडी कहाँ क्रिएट की गई थी, ब्रिटेन में, ये इंडिया में क्रिएट नहीं की गई थी। साथ ही साथ इस एसओएस सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए या इसको सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यीय यानी कि 15 मेंबर्स काउंसिल बनाई गई, एक बॉडी बनाई गई जो इनको सहायता करेगी यानी कि एडवाइस करेगा। तो इस तरीके से ये 15 मेंबर्स काउंसिल जो था ये पूरी तरीके से एक एडवाइजरी बॉडी थी, यानी कि इसका काम बस सलाह देना था। अब सलाह को मानना है या नहीं मानना है वो तो सेक्रेटरी को डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 1858 का एक्ट था। इसके बाद देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अब यहां से काउंसिल एक्ट स्टार्ट होता है। 61 का काउंसिल एक्ट देखेंगे, इसके बाद 92 का फिर देखेंगे, फिर 909 का काउंसिल एक्ट देखेंगे। ये सब काउंसिल एक्ट रहते हैं, इनको सब पहले की काउंसिल एक्ट कहा क्यों जाता है इस रीजन को समझिए। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, हमने वो देखा ना, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन को करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी और लेजिस्लेटिव फंक्शन को देखने के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसको इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी ये मेन बॉडी हुआ करती थी जो किसी भी गवर्नर या वॉइसराय के लिए थी। तो इसलिए अब आपको देखने को मिलेगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसमें कुछ रिफॉर्म किए जाते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, और इसलिए इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो रिफॉर्म हुए उन रिफॉर्म की वजह से जो आने वाले एक्ट थे उनको काउंसिल एक्ट कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही काउंसिल आया, तो यहां पर रिफॉर्म जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं, इसलिए इस एक्ट को काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भी दो तीन एक्ट आएंगे उनको भी काउंसिल एक्ट कहा जाता है। तो इनमें प्रोविजंस जो है वो देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म होते हैं मेनली। जैसे देखिए जो वॉइसराय था अब उसके पास पावर था कि वो कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर सकता था। आया काउंसिल यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म हुआ इसलिए हम इसको काउंसिल एक्ट कहेंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंडियंस को वॉइसराय के पास पावर आ गया। तो इसके तहत क्या हुआ कि 1862 में कुछ इंडियंस को जैसे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर टिंकर राव,
इन तीन लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया वॉइस रॉय के द्वारा। किसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि वॉइस रॉय जो था ये पूरे इंडिया का था, और इसलिए ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये वॉइस रॉय के लिए थी, ये किसी गवर्नर के लिए नहीं थी। जैसे आज भी होता है ना कि जैसे क्या होता है, पूरे इंडिया के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, किसी स्टेट के लिए गवर्नर होते हैं, तो उसी तरीके से उस समय था पूरे इंडिया के लिए वॉइस रॉय था और जो प्रोविंस हुआ करती थी उनके लिए गवर्नर हुआ करता था। तो यहाँ पर जो ये रिफॉर्म हुआ और ये ऐड हुए, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड हुए हैं बाई वॉइस रॉय, नॉट इन प्रोविंसियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसे, बाई रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास। याद कीजिए अगेन 1833 का एक्ट, जिसके तहत बॉम्बे एंड मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर को छीन के किसको दे दिया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया था, यानी कि वहां पर सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगेन इनके पावर को क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास को वापस लौटा दिया जाता है। तो यहाँ आपको लेजिस्लेटिव पावर का डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। यानी कि पहले जो एक्ट आए हुए थे, खासकर 1833 या फिर एबिलिटी एक्ट से जो चीजें स्टार्ट हुई थी, वहां से सारा सेंट्रलाइजेशन करने का ही काम चल रहा था। तो वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब ये जो एक्ट था उन एक्ट के अपोजिट था, ठीक है। और फिर देखेंगे कि कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई इसके तहत, जैसे बंगाल में 1862 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसमें 1866, और वहीं पंजाब में 1897 में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। तो ये कौन सी काउंसिल थी? ये प्रोविंसियल काउंसिल थी, प्रोविंसियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जैसे आज स्टेट है ना उस समय प्रोविंस कहा जाता था उसको। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने एक सिस्टम शुरू किया हुआ था, कब? 1859 में, जिसको कहा जाता था पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को भी इस एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि वैलिडिटी को दी गई। तो पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है? जैसे क्या होता है, आज जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली हो, यहाँ पर जो चुन के जाते हैं इन लोगों को कोई डिपार्टमेंट या कोई मिनिस्ट्री दी जाती है। तो इस तरीके से कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुन के आएगा तो हम उसको भी कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट देंगे, इसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी उसको कोई पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो पोर्टफोलियो होकर होगा क्या? कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट होगा, उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इसके स्टार्ट किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में, और इसी पोर्टफोलियो सिस्टम को भी रिकॉग्नाइज किया गया, यानी कि वैलिडिटी प्रोवाइड की गई इस एक्ट के तहत। साथ ही साथ अब वॉइसरॉय जो था ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता था ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे आज होते हैं प्रेसिडेंट इमरजेंसी के टाइम पे ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए कर सकता था। कब कर सकता था? विदाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आज भी है ना कि अगर पार्लियामेंट के दोनों सदनों की बैठक नहीं हो रही है ये, तो फिर क्या करेगा कि एक ऑर्डिनेंस जारी करता है प्रेसिडेंट, चाहे इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी करे, या फिर ऑर्डिनेंस ऐसे भी जारी किए जाते हैं इमरजेंसी के अलावा भी कुछ करवाना हो कोई, जैसे खासकर ये एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रोविजन था जो आपको एक याद रखने चाहिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं काउंसिल एक्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, पहले 61 वाला था, 61, अब 92। ये भी काउंसिल एक्ट है, यानी कि इसमें भी जो काउंसिल थी इसमें रिफॉर्म किए जाएंगे। सेम प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। जैसे पहले भी था ना कि 6 मेंबर्स ऐड किए गए थे, जिसमें से 4 जो थे वो आपके इंडियंस थे, और मेनली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ही ऐड किया गया था। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब क्या होता है? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब वो होता है जो लोग चुन के जाते हैं या जिनको नॉमिनेट किया जाता है, यानी जो परमानेंट नहीं रहते, ठीक है। जो परमानेंट रहते हैं वो ऑफिशियल मेंबर्स थे। तो यहाँ पर अगेन देखेंगे कि नंबर्स को बढ़ाया गया एट बोथ लेवल्स, ठीक है। तो बोथ लेवल्स कौन? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। दिस इज लेजिस्लेटिव शॉर्ट में मैंने लिखा है, ठीक है। लेकिन भले नंबर बढ़ाया जाएगा लेकिन मेजोरिटी में कौन होंगे? ऑफिशियल जो मेजोरिटी होगी वही होगी, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इसमें नहीं होगी। साथ ही इसमें देखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके फंक्शंस को बढ़ाया गया, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कौन से फंक्शंस होंगे? दे कैन डिस्कस ऑन बजट, दे कैन एड्रेस क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, यानी
से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ ही साथ जो बजट आता है उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है ये दोनों लेवल पर ऐड किए जाएंगे, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों मेंबर। तो इन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर ऐड किए जाएंगे बाय वॉयसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और वहीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर ऐड किए जाएंगे बाय गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। तो इनके रिकमेंडेशन पर गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड करेगा और इनके रिकमेंडेशन पर वो जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करेगा। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, यहाँ पर लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कोई भी इलेक्शन वर्ड का नाम यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए ना, ऑन द रिकमेंडेशन पर ये अपॉइंट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये क्या था, ये लगभग आप देखें कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ही था और लिमिटेड इलेक्शन तो था ही, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था लेकिन फिर भी कहीं भी इलेक्शन नाम के वर्ड का यूज नहीं किया गया। तो ये कुछ थे इसमें इंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल 1892 में। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट 1909 में ये भी क्या था, ये भी काउंसिल एक्ट था, यानी कि इसमें भी काउंसिल में रिफॉर्म होगी। इसका मतलब इसको मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, इसलिए मॉर्ले जो थे उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के और मिंटो जो थे वो इंडिया के वॉयसराय थे, ठीक है। तो इसलिए मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म भी इसको कहा जाता है। इसमें भी अगेन वही काम की जाती है कि साइज जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो बढ़ाई जाती है। किसकी साइज, बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या हुआ, यानी कि सेंटर के लेवल पे और प्रोविंशियल के लेवल पर भी दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर बढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, इसमें यह कहा गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी इसमें तो ऑफिशियल मेजोरिटी होगी, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी इसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है, यानी वो अलाउड है। यानी कहने का मतलब जो प्रोविंस थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ी ऑटोनोमी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, ठीक है। और कुछ फंक्शंस भी यहाँ पर इंक्रीज किए गए दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फंक्शन क्या थे, इससे पहले क्या फंक्शन थे, वो बजट पर डिस्कशन कर सकते थे, वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते थे। यहाँ पर कुछ फंक्शन ऐड किए गए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना, साथ ही साथ रेजोल्यूशन भी ला सकते थे बजट पर। इसके अलावा भी कुछ फंक्शन थे। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि फर्स्ट टाइम इंडियंस जो थे वो वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये ऐड हो सकते फर्स्ट टाइम। तो इसके तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर एड किया गया था। इससे पहले जितने भी एडिशन हो रहे थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो रहे थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं हो रहे थे। यहाँ पर पहली बार प्रोविजन किया गया कि इंडियंस भी वॉयसराय या गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एड हो सकते हैं, और इसी के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ये वॉयसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होते हैं एज अ लॉ मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में एडिशन हो रहा था, अब यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एडिशन देखने को मिला। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर कॉमनल रिप्रेजेंटेशन आई, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहते हैं। कॉमनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि रिलीजन के बेसिस पर यहाँ पर इलेक्टोरेट या फिर रिजर्वेशन कह लीजिए, वो देने की कोशिश की गई, और वो कम्युनिटी मुस्लिम यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को इस प्रोविजन के तहत कॉमनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एरिया अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या मुस्लिम उम्मीदवार के लिए रिजर्व है, तो मान लीजिए ये एरिया यहाँ पे 100 लोग रहते हैं और ये एरिया मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो यहाँ से सिर्फ मुस्लिम ही जो कम्युनिटी का कैंडिडेट होगा खड़ा होगा, ये तो सभी जानते हैं पहली चीज। दूसरी चीज, जो वोटिंग करेंगे वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वोटिंग करेंगे और दूसरी कम्युनिटी के उस एरिया में रहने वाले लोग वोटिंग नहीं कर सकते। ये दो चीजें थी, कैंडिडेट जो होगा मुस्लिम कम्युनिटी का ही होगा और उसको वोटिंग करने वाले जो लोग होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे और वहां कम्युनिटी वाले उसको वोटिंग नहीं कर सकते। ये था यहाँ पर कॉमन रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब। तो इस वजह से जो मिंटो थे, मिंटो कौन थे, वॉयसराय ऑफ इंडिया, इस वजह से मिंटो को फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट कहा जाता है इंडिया में। इसके अलावा देखेंगे कुछ सेपरेट और रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं,
काम पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसको मिलते हैं, जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, चैम्बर्स हुआ करते थे, जमींदार यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, ठीक है, इनको अलग अलग से इनके लिए भी सीटें रिजर्व की जाने लगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो ये था 1909 का एक्ट। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट आता है 1919 का एक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट, जिस और वही 1919 का एक्ट जो था वो लगभग आजादी के टाइम तक वो चलता रहा, ठीक है, उसमें भी कुछ प्रोविजन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हाँ सर, एक बात और, थोड़ा ईयरफोन लगा के सुनिएगा क्योंकि वॉइस काफी लो रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं किसी पहले वाली वीडियो में भी ये प्रॉब्लम थी, फिर मैंने थोड़ा सा देखा शॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन अगेन रिकॉर्ड करते टाइम भी ये काफी लो हो रहा है, ठीक है, ईयरफोन लगा के सुनिएगा तो अच्छी आवाज आएगी, ऐसे थोड़ा काफी लो है, ठीक है। ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं दोबारा देखता हूँ क्या इश्यू है। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये एक काफी इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसको कहते हैं मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगु जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड वॉइस रॉय थे उस समय के। तो यहां पर देखिएगा इनका एक स्टेटमेंट आता है जिसको मॉन्टेगु स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जो 1917 में आता है 1917 में, और उसमें कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। तो इसलिए इस रिफॉर्म को कहा जाता है कि ये पहला टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो के लोग आएंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर उस सरकार के प्रति क्या करें होंगे, उत्तरदायी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरा प्रोविजन देखते हैं, इसमें कहा गया कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जैसे आज सब्जेक्ट है ना, आज सब्जेक्ट को भी डिवाइड किया गया है, जैसे सेंट्रल लिस्ट होता है तो सेंट्रल सब्जेक्ट आएंगे, स्टेट लिस्ट जो होता है उसमें स्टेट लिस्ट आएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ कंकरेंट लिस्ट होती है जिनमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट डिवाइड है आज भी, उसी तरीके से यहाँ पर भी सब्जेक्ट डिवाइड किए जाते हैं, कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट होते हैं जिनसे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते हैं जिस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। लेकिन इसके अलावे जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को और दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को और दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में फर्क ये है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो आएंगे इन पर कौन कानून बनाएगा, बाय गवर्नर विद एड ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ये गवर्नर कानून बनाएंगे और ये जो मिनिस्टर्स होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और रिजर्व सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जिन पर कानून बनाएंगे अगेन बाय गवर्नर विद एड एंड एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फर्क क्या है, यहाँ पर मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से बनाए जाएंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एड एंड एडवाइस से बनाए जाएंगे, यहाँ पर जो मिनिस्टर होंगे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो ये यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया। तो इस तरीके की जो सिस्टम थी इसको ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या फिर डायर्की कहा गया। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या मतलब, एक ट्रांसफर और रिजर्व, ये अलग लोगों की एडवाइस से बनाया जाएगा, ये अलग लोगों की एडवाइस से बनाया जाएगा, इस वजह से इस पूरे गवर्नेंस को ड्यूल सिस्टम या फिर डायर्की कहा गया। यहाँ पर अगेन चीज, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको वहां पर बाइकैमरलिज्म की व्यवस्था की गई। बाइकैमरलिज्म की व्यवस्था का मतलब यह होता है कि पूरे सदन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होगा अपर हाउस और एक होगा लोअर हाउस। जैसे आज पार्लियामेंट भी डिवाइड है इस तरीके से, एक अपर हाउस जिसे हम कहते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस जिसे हम कहते हैं लोकसभा, ठीक है। तो उसी तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बाइकैमरलिज्म होती है जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम, यहाँ पर फर्स्ट टाइम होता है इस एक्ट के तहत कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिवाइड किया जाता है। अगेन फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग चुन के जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के जाते हैं, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पर आपको डायरेक्ट इलेक्शन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा
जो वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उनके में 6 मेंबर में से 3 मेंबर 3 आउट ऑफ 6, तो 3 आउट ऑफ 6 यानी कि 6 में से 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियंस होंगे, ये भी प्रोविजन इसलिए कहा गया। लेकिन एक चीज को छोड़, कमांडर ऑफ चीफ, कमांडर ऑफ चीफ जो था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जैसे होता है ना, लाइक इट्स कैप्टन जैसे होती है, जैसे सेनापति होती है पूरे एक आर्मी की, उसी तरीके से वो हुआ करते थे। तो वो पद जो था वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व था यूरोपियंस यानी कि ब्रिटेन के लिए, तो उस पद को छोड़ के बाकी 6 में से 3 जो थे वहां पर इंडियंस अपॉइंट किए जा सकते थे, किसके, वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इसके अलावा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ और एक्सटेंड किया गया, जो 1909 का एक्ट था उसके तहत कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा इसमें प्रोविजन में किया गया कि उसको और बढ़ाया गया, जिसमें सिख को ऐड किया गया, इंडियन क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, यूरोपियंस थे, इनको ऐड किया गया। एग्जैक्टली आपको याद रहना चाहिए इस एक्ट के तहत कौन कौन थे, 4 सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, 1909 के तहत मुस्लिम। ठीक है, फ्रेंचाइज यानी कि वोट देने का अधिकार, एक ये वोट देने का जो अधिकार था लिमिटेड लोगों को मिला, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन, इन बेसिस पर लोगों को वोट देने के यानी कि फ्रेंचाइज का अधिकार मिला। साथ ही साथ ये देखेंगे कि ब्रिटेन में इंडिया के लिए एक हाई कमिश्नर का पद बनाया गया, नया ऑफिस क्रिएट किया गया इंडिया के लिए ब्रिटेन में हाई कमिश्नर का, और ये जो हाई कमीशन को कुछ फंक्शन, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शन थे उन फंक्शन को, थोड़े बहुत फंक्शन को ट्रांसफर किया गया इस हाई कमीशन के पास। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें प्रोविजन था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके तहत ही 1926 में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बनाया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल बजट था उसको सेंट्रल बजट से अलग किया गया, यानी कि इससे पहले जो बजट पेश किया जाता था वो सेंटर और स्टेट यानी कि प्रोविंस का एक साथ हुआ करता था, लेकिन इस प्रोविजन के तहत प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग किया गया, और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको ये पूरा अधिकार दिया गया कि आप अपने बजट को इनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने लिए बजट बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी प्रोविजन था कि एक स्टेचुटरी कमीशन बनाया जाएगा आफ्टर 10 ईयर, किसके 10 ईयर, जब ये एक्ट 1909 का एक्ट जब ये इनफोर्स में आएगा, जब ये लागू हो जाएगा तब से 10 साल के बाद एक स्टेचुटरी कमीशन बनाई जाएगी। वो क्यों बनाई जाएगी, टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग, इसलिए ताकि 1909 के तहत जो प्रोविजंस किए गए थे, जो व्यवस्था की गई, इसके तहत की गई व्यवस्था अच्छी तरीके से चल रही है या नहीं उसको इंक्वायर करने के लिए और उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक स्टेटरी कमीशन बनाई जाएगी। तो हम आगे देखेंगे कि इसके तहत जो ये स्टेटरी कमीशन था, एक कमीशन आता है जिसको हम कहते हैं जिसको कहते हैं साइमन कमीशन। यही साइमन कमीशन जो था, ये स्टेचुटरी कमीशन जो था जो 10 ईयर्स के बाद आने वाला था, लेकिन ये आया 1927 में, 2 साल पहले। ये कब बना, 1919 में बना, तो उसके हिसाब से ये 1929 में आना चाहिए था, कि 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ जाता है साइमन कमीशन 1927 में, और यही कमीशन जो था ये इसके वर्किंग को इंक्वायर और रिपोर्ट देने वाला था। ठीक है, तो साइमन कमीशन को भी हम पढ़ेंगे, और इसके बाद 1935 का एक्ट जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद 1947 जो इंडिपेंडेंस एक्ट होता है वो भी पढ़ेंगे। तो मेनली 3 से 4 चीजें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।